बहु तेरी गऊएं गूगल के समान गंध वाली होती हैं। गऊएं प्राणियों का आधार तथा कल्याण की निधि हैं। भूत और भविष्य गऊओं के ही हाथ में है। वे ही सदा रहने वाली पुष्टि का कारण तथा लक्ष्मी जी की जड़ हैं। गऊओं की सेवा में जो कुछ दिया जाता है उसका फल अक्षय होता है। अन्न गऊओं से उत्पन्न होता है। देवताओं को उत्तम भविष्य अर्थात घृत गऊएं देती हैं तथा स्वाहाकार अर्थात देव यज्ञ और वष्टाकार अर्थात इंद्रिय याग भी सदा गऊओं पर ही अवलंबित है। गऊएं ही यज्ञ का फल देने वाली हैं। उन्हीं में यज्ञों की प्रतिष्ठा है। ऋषियों को प्रातः काल और सायंकाल में होम के समय गऊएं ही हवन के योग्य घृत आदि पदार्थ देती हैं। जो लोग दूध देने वाली गऊ दान करते हैं वे अपने समस्त संकटों और पापों के पार हो जाते हैं। जिसके पास 10 गऊएं हो वह 1 गऊ दान करे। जो 100 गाय रखता हो वह 10 गाय दान करे। और जिसके पास 1000 गऊएं मौजूद हो वह 100 गऊएं दान करे। तो इन सबको बराबर ही फल मिलता है। जो 100 गऊओं का स्वामी होकर भी अग्निहोत्र नहीं करता, जो 1000 गऊएं रख कर भी यज्ञ नहीं करता तथा जो धनी होकर भी कंजूसी नहीं छोड़ता, ये तीनों मनुष्य अर्घ्य सम्मान पाने के अधिकारी नहीं है। जो उत्तम लक्षणों से युक्त कपिला गौ को वस्त्र ओढ़ाकर बछड़े सहित दान करता है तथा उसके साथ दूध दुहने के लिए 1 काशी का पात्र भी देता है, वह इहलोक परलोक दोनों को जीत लेता है। प्रातः काल और सायंकाल में प्रतिदिन गऊओं को प्रणाम करना चाहिए। इससे मनुष्य के शरीर और बल की पुष्टि होती है। गौ मूत्र और गोबर देखकर कभी घृणा ना करें। गऊओं के गुणों का कीर्तन करें, कभी उनका अपमान न करें। यदि बुरे स्वप्न दिखाई दे तो गौ माता का नाम लें। प्रतिदिन शरीर में गोबर लगाकर स्नान करें। सूखे हुए गोबर पर बैठें, उस पर थूक न फेंकें, मल मूत्र न त्यागें। गऊओं के तिरस्कार से बचता रहे। अग्नि में गाय के घृत का हवन करे, उसी से स्वास्थ्य वाचन करावे। गौ घृत का दान और स्वयं भी उसका भक्षण करे तो गऊओं को वृद्धि होती है। जो मनुष्य सब प्रकार के रत्नों से युक्त तिल की धेनु को अर्थात गऊ माँ अग्ने विमा अश्वी आदि गोमती मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे ब्राह्मणों को दान करता है, उसे अपने पाप पुण्य के लिए शोक नहीं करना पड़ता। रात हो या दिन, अच्छा समय हो या बुरा, कितना ही बड़ा भय क्यों ना उपस्थित हुआ हो, यदि मनुष्य निमांकित श्लोकार्थों का कीर्तन करता है तो वह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। जैसे नदियां समुद्र के पास जाती हैं, उसी तरह सोने से मढ़े हुए सींगों वाली दुग्धवती सुरभी और सुरभई गौ मेरे निकट आवे। मैं सदा गऊओं का दर्शन करूं और गऊएं मुझ पर कृपा दृष्टि करें। गऊएं मेरी हैं और मैं गऊओं का हूं। जहां गऊएं रहें वहीं मैं भी रहूं। प्राचीन काल में गऊओं ने श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए 1,00,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि इस जगत में जितनी दक्षिणा देने योग्य वस्तुएं हैं उन सब में हम उत्तम समझी जावें, हमको कोई दोष न लगे। मनुष्य हमारे गोबर से स्नान करने पर सदा ही पवित्र हो। देवता और मानव पवित्रता के लिए हमेशा हमारे गोबर का उपयोग करें। समस्त चराचर प्राणी हमारे गोबर से पवित्र हो जाएं और हमारा दान करने वाले मनुष्य को हमारा ही
उत्तम लोक अर्थात गोलोक प्राप्त हो। इस प्रकार का संकल्प लेकर जब गौओं ने अपनी तपस्या पूर्ण की तो उसके अंत में ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया, हे गौओं, तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो और तुम जगत के जीवों का उद्धार करती रहो। इस प्रकार अपनी कामनाएं सिद्ध हो जाने पर गौएं तपस्या से निर्वृत हुई और उसके पश्चात जगत का कल्याण करने लगी। इसीलिए वे महान सौभाग्यशालिनी गौएं परम पवित्र मानी जाती हैं। वे समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ एवं वंदनीय है। जो मनुष्य दूध देने वाली सुलक्षणा कपिला गौ को वस्त्र ओढ़ाकर कपिल रंग के बछड़े सहित दान करता है, वह ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। सदा गौ दान में अनुराग रखने वाला पुरुष सूर्य जी के समान ददीप्यमान विमान में बैठकर मेघ मंडल को भेदता हुआ स्वर्ग में जाकर सुशोभित होता है। गौओं के शरीर में जितने रुएं होते हैं उतने वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में सत्कार पूर्वक रहता है। फिर पुण्य क्षीण होने पर जब स्वर्ग से नीचे उतरता है तो इस मनुष्य लोक में आकर संपन्न घर में जन्म लेता है। मनुष्य को चाहिए कि सवेरे और सायंकाल आचमन करके इस प्रकार जप करे। घी और दूध देने वाली, घी की उत्पत्ति का आधार, घी को प्रकट करने वाली घी की नदी तथा घी की भवर रूप गौएं मेरे घर में सदा निवास करें। मेरे आगे पीछे और चारों ओर गौएं मौजूद रहें, मैं गौओं के बीच में ही निवास करूं। इस प्रकार प्रतिदिन जप करने से मनुष्य के दिन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। गौ दान करने वाला मनुष्य अपने माता और पिता की 10 पीढ़ियों को पवित्र करके उन्हें पुण्यमयी लोकों में भेजता है। जो गाय के बराबर तिल की गाय बनाकर उसका दान करता है तथा जो जल का दान करता है उसे यमलोक में कोई यातना नहीं भोगनी पड़ती। गौ सबसे अधिक पवित्र जगत की प्रतिष्ठा और देवताओं की माता है। उसका स्पर्श और उसकी प्रदक्षिणा करें तथा उत्तम समय देखकर सुपात्र ब्राह्मण को उसका दान करें। जो बड़े बड़े सिंगों वाली कपिला धेनु को बछड़े कांसी की दोहनी तथा वस्त्र सहित दान करता है वह मनुष्य यमराज की दुर्गम सभा में निर्भय होकर प्रवेश करता है। गौ दान से बढ़कर कोई पवित्र दान नहीं है और गौ दान के फल से श्रेष्ठ अन्य कोई फल नहीं है। संसार में गौ से बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट प्राणी नहीं है। जिसने समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है उस भूत और भविष्य की माता गौ को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। हे राजन, यह मैंने तुमसे गौओं के गुणों का दिग्दर्शन मात्र कराया है। गौओं के दान से बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई दान नहीं है तथा उनके समान दूसरा कोई सहारा भी नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, महर्षि वशिष्ठ जी के ये वचन सुनकर भूमि दान करने वाले महात्मा राजा सौदास ने उस पर विचार किया और उसे सर्वथा उत्तम जानकर ब्राह्मणों को बहुत सी गौएं दान दी। इससे उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई। सारे बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय। अनुशासन पर्व अध्याय 271 व्यास जी का शुकदेव जी से गौदान की महिमा का वर्णन तथा भीष्म जी का गौ और लक्ष्मी जी का संवाद सुनाना। युधिष्ठर ने कहा, हे पितामह जी, संसार में जो वस्तु पवित्रों में भी पवित्र उत्तम तथा परम पावन हो उसका वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, हे बेटा, गायें महान अर्थ का साधन, परम पवित्र
और मनुष्यों को तारने वाली है। ये अपने घी और दूध से प्रजा के जीवन की रक्षा करती है। गौओं से अधिक पवित्र कोई वस्तु नहीं है। ये तीनों लोकों में पवित्र पुण्य स्वरूप तथा सर्वश्रेष्ठ है।